सो गाइस, अगर आप इंस्टाग्राम दिन भर चलाते हो और आपका जो भी पैक है 1.5 GB या 2 GB का पैक डेली ख़त्म हो जाता है, बिकॉज़ ये इसलिए होता है क्योंकि इंस्टाग्राम के जो भी रील्स अपलोड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं, कैमरे से रिकॉर्ड किए हुए होते हैं। अगर आप एक रील भी देखते हो तो इसके अकॉर्डिंग आपको वो कम से कम 10 MB के अराउंड आपका डाटा खर्च हो जाता है। तो इस वजह से आप जो भी रील देखते हो, अगर आपने 2 घंटे भी रील देख ली तो आपका 1.5 GB आसानी से ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि इतना जल्दी आपका डाटा ख़त्म ना हो तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस वीडियो में आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा, जिस स्टेप्स को अपना के आप अपना इंस्टाग्राम का जितना भी डाटा वेस्ट हो रहा है उससे बचा सकते हो। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन कर लीजिए, जैसे भी अकाउंट ओपन होने दे। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको कुछ ऐसे सेटिंग है, वो सेटिंग अगर आप कर लेते हो तो आपका जो भी इंस्टाग्राम का डाटा मतलब जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, दिन भर इतना आप कुछ देखते भी नहीं, 2 घंटे में किसका जाता है यार, 2 घंटे में 1.5 GB बहुत बड़ी बात है। इतनी जल्दी जाना मतलब हमको तो फिर 5 GB भी बस नहीं होगा फिर डेली का, सही है या नहीं है? ओके, तो सबसे पहली बात, पहला स्टेप आपको करना है, यहाँ पे नीचे वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे अकाउंट प्रोफाइल वाला, आपको वहाँ पर टैप कर देना है। जैसे भी आप वहाँ पर टैप करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर वाला 3 लाइन्स वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ऊपर ये देखिए, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये ठीक है ना, यहाँ पर आपको टैप कर देना है। जैसे भी आप यहाँ पर टैप करते हो तो एक सेटिंग ओपन होती है, सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है सेटिंग वाला, आपको सेटिंग पे टैप करना है। तो सेटिंग पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए अकाउंट वाली सेटिंग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, अकाउंट सेटिंग पे आपको टैप करना है। जैसे भी आप अकाउंट सेटिंग पे टैप करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलर डाटा यूज़, ओके, कॉलर डाटा यूज़ पे आपको टैप करना है। जैसे भी कॉलर डाटा यूज़ पे आप टैप करते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं यूज़ लेस डाटा, ठीक है ना। सबसे पहला ऑप्शन है डाटा सेवर का, व्हेन डाटा सेवर इज टर्न ऑन वीडियो वोंट बी लोड इन एडवांस टू हेल्प यू विथ लेस डाटा, ठीक है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप कॉलर डाटा यूज़ करते हो तो जो भी आपका हाई क्वालिटी की वीडियोज़ है वो लेस डाटा में आपको लोड करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसे ऑन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हाई रिवॉल्यूशन, ये वाईफाई वाला छोड़ दीजिए, वाईफाई वाला हमको वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मीडियम क्वालिटी अपलोड, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो तो क्या आप मीडियम क्वालिटी में वीडियो अपलोड करना चाहते हो? अगर आप पहला वाला भी ऑप्शन यूज़ कर लेते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका शायद अगर आपका 2 घंटे जब डाटा चल रहा था अब आपका 4 घंटे या 5 घंटे चलेगा। लेकिन अगर आप सेकंड वाला भी ऑप्शन ओपन कर लेते हो, वैसे तो हम लोगों को ज़्यादा कोई अपलोड करना होता नहीं, फ़ोटो पोस्ट के अलावा और क्या ओपन करना होता है, जबकि हम फोटो एडिट करने के बाद वो फ़ोटो 3 MB 4 MB के अराउंड हो जाती है। तो इसके वास्ते आपको शायद ये वाली सेटिंग भी ऑन कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। जब भी आप अपलोड हायर क्वालिटी में करते हो तो कॉलर डाटा मतलब कि आपका जो भी डाटा है वो भी वेस्ट हो जाएगा ना, तो इसीलिए पोस्ट पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन आपका डाटा ही वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये भी वाली सेटिंग ऑन कर लेनी है, ठीक है ना। जैसे भी आप ये दोनों सेटिंग ऑन कर लेते हो तो आपका इंस्टाग्राम डाटा ऑटोमेटिकली कम वेस्ट होगा, ठीक है ना। आप इसे कम मतलब ज़्यादा टाइम में कम डाटा वेस्ट होगा, जिससे आप लंबे समय तक इंस्टाग्राम चला सकते हो।